और आज तीज है और संजू भैया बना रहे हैं मूर्ति और अपना कला का प्रदर्शन करते हुए। कौन कौन सा बना रहे हैं भैया? शिव परिवार बना रहे हैं। शिव परिवार में शिव जी होंगे, पार्वती जी होंगे, उनके गोद में गणेश जी होंगे, कार्तिकेय जी होंगे, उसके अलावा कुछ किया बनेगा। और दरअसल मूर्ति आस्था से बनता है, और अगर दिल में ईमानदारी हो तो आप किसी भी चीज़ की मूर्ति का निर्माण दिल में ही कर सकते हैं। कि आप अगर ईमानदारी नहीं हो तो आप मूर्ति कभी बना ही नहीं सकते हैं। आस्था और ईमानदारी दो चीज़ बहुत जरूरी है, यही दो चीज़ प्रेरणा देती है कि आप मूर्ति बना सकते हैं। और भैया ने बहुत अच्छा बात बताया कि मूर्ति कैसे बनती है, ईमानदारी के साथ बनती है मूर्ति, नेकी के साथ बनती है। देख रहे हैं कि ये जो है ये धड़ है, हमने एक इसमें जो है माचिस की तिल्ली को ऐसे डाला, और फिर यहाँ जो है ये भगवान का सर है, हमने इस तिल्ली के साथ इस सर को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। और ये सर को जोड़ने के साथ जो है यहाँ पर जो है भगवान का दो हाथ होंगे, हम शंकर भगवान बना रहे हैं, और ये दो हाथ हम बाद में भी लगा सकते हैं लेकिन हमने पहले लगाया है। और शंकर भगवान जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमने एक मजबूती के लिए एक पहले बेस बनाया हुआ है ताकि मजबूती के साथ मूर्ति स्टैंड कर सके, अगर ज़रा सा हिले डुले तो कुछ दिक्कत ना हो। और इस तरीके से हमने स्टैंड लगा दिया और शंकर भगवान को विराजमान कर दिया, और यहाँ पर हमने भगवान के आँख के लिए चावल का दाने का प्रयोग कर रहे हैं हम, कि चावल का आँख जो है भगवान त्रिनेत्र हैं तो दो आँख भगवान का ऐसे किए, और एक चावल का जो खड़ा दाना है मैंने बीच में डाला। और चूँकि शंकर भगवान के गले में सांप होता है तो एक हम पतला सा सांप भी बनाने जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि ये जो सांप होगा भगवान के गले में होगा तो इस तरह ऐसे फन उठाए हुए, और सांप का जो मेन फन होगा कुछ इस शक्ल में होगा कि आप देख सकते कितना सुंदर सा बना रहे हैं भैया, और शेषनाग बना दिए ऐसा लग रहा है। गले में या पीछे देख रहे हैं सांप है, और यहाँ पर जो है ये भगवान का हाथ है, और एक हाथ भगवान का इस साइड में आएगा। ये मिट्टी कहाँ से लाए हैं भैया? ये मिट्टी जो है सफ़ेद मिट्टी है, खेत की मिट्टी है, और बनाना आसान होता है क्योंकि मिट्टी में लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कहीं से मिट्टी ला करके, लेकिन मिट्टी सफ़ेद रहती है तो बनाना आसान होता है। और भैया के हाथ में पूरा कलाकारी है। ऑफिस जाने से पहले भैया मूर्ति बना के जाएंगे ऑफिस, हाँ भैया। हाँ, ऑफिस से निकलेंगे 9 बजे, ऑफिस निकल जाएंगे तो सोचे कि पहले मूर्ति बना दे। हर साल मूर्ति बनाने की जो आदत रही है कि घर में भी मूर्ति हर साल हम ही बनाते थे, तो शुरू से एक रहा दिमाग में कि यहाँ के तीज है तो महिलाएं तीज करेंगी, लेकिन अपना काम जो है मूर्ति बनाने का वो तो कम से कम हम करेंगे ही हर साल की तरह। और शाम में पूजा होगी, और वास्तव में तीज आस्था के साथ साथ श्रृंगार पर्व भी है। लोग आस्था के साथ है कि महिलाएं जो हैं श्रृंगार पर ज़्यादा फोकस करती हैं क्योंकि सुहाग का पर्व है, और 16 श्रृंगार होता है सोलह इसमें। श्रृंगार होता है इसमें। और सबसे बड़ी बात कि साड़ी खरीदने को लेकर के एक जो रहती है मन में बेचैनी कि हाँ इस बार जो है कि साड़ी खरीदना है, तो अपनी पसंद की साड़ी खरीदी जाती है इसमें। आप साड़ी तो हर त्यौहार में खरीदने का नियम रहा है,
देखिए तीज की साड़ी कुछ स्पेशल होती है कि तैयारी काफ़ी पहले से की जाती है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि झूठ मूठ का कहा जाता है कि साड़ी पति के पसंद से खरीदी जाती है, पति के नाम का लेबल लगाया जाता है, महिलाएं अपनी पसंद से ही खरीदती हैं ना। और भैया अपनी बातें बता रहे हैं और अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं भैया। और बस यही है तीज, दिन भर पूजा की तैयारी। कल दिन भर बाजार में गहमा गहमी रही, शाम में पूजा को लेकर तैयारी। ये पार्वती जी बना दिए भैया, कृष्ण शंकर भगवान तो बन चुके थे और पार्वती जी बना रहे हैं, और गणेश भगवान भी बनाएंगे क्या? हाँ, गोद में इनके गणेश भगवान बैठेंगे। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए कितना सुंदर बन चुका है घर पे ही। और जो लोग घर पे बनाना चाहते हैं वो आराम से देख के भी सीख सकते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं घर पर। आपको मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही बनाएंगे तो वही सबसे बड़ा आस्था है क्या भैया? मतलब घर से ही बनाइए, ज़्यादा आसान है, ज़्यादा बढ़िया है। और घर से बनाने में ये क्या है कि आप समय के अनुसार जो है ये बना सकते हैं। खुद आपके हाथ की बनी मूर्ति होगी तो आस्था ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप घर में ही खुद गणेश जी का निर्माण करें। और भगवान कभी मूर्त का रूप नहीं देखते हैं, भगवान आस्था की मूर्त का रूप देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने मेरी शक्ल कैसे बनाई है, सही बात देख रहे हैं कि आपकी ईमानदारी की शक्ल कैसी है और आप खुद कितने जीवन के प्रति ईमानदार हैं, सामाजिक जीवन में कितने ईमानदार हैं। पूजा पाठ करने से पहले इंसान की जो कह सकते हैं कि मन में आस्था बहुत जरूरी है। और आप सामाजिक जीवन, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना काम आ सकता है, ये ज़्यादा बेहतर जरूरी है। ये बात तो भैया सही बताएं, दूसरों को सीख देने के बजाय अच्छी सीख को खुद जीवन में उतारें। जब आप खुद अच्छा काम करेंगे तो दूसरों को नसीहत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो सही बोले भैया, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं होती है कहीं भी नहीं। बस आप ईमानदार रहे, लोग ऐसे गुणगान करेंगे, लेकिन सिर्फ भगवान ईमानदारी खोजते हैं। तो तीज के दिन ये व्रत लें कि आप खुद ईमानदारी लें। और आज ही हम लोग ये वीडियो भी अपलोड करेंगे मॉर्निंग टाइम में, कि आप लोग भी ये वीडियो देख कर सीख सके घर में कैसे हम लोग बना सकते हैं। भैया ने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया सारा कुछ। और पार्वती जी का देखिए अभी पैर बना रहे भैया, और उसी पर गणेश जी बैठाएंगे ना भैया? हाँ, माँ के पैर पर ही गणेश जी कार्तिक जी गोद में बैठेंगे, इसलिए माँ के पैरों को मजबूत करना जरूरी है। इसलिए कि नारी का पैर जो है, नारी के पैर की हमारे यहाँ समाज में प्रथा रही है कि पाँव देखा जाता है कि पाँव कितना शुभ है, इससे नारी का पाँव वैसे भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो गोद जिसको हम कहते हैं, गोद दरअसल पाँव ही होता है जहाँ माँ विराजमान होती है। और हम लोग जो है इसलिए पाँव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पाँव अगर उखड़ने लगे समय से पहले फिर दिक्कत है। तो हम लोग जो भी दरअसल भगवान में जो छवि देखना चाहते हैं, वो छवि दरअसल हमारे जीवन में उतना ही काम आती है उस छवि का। और बच्चे को ऐसे भी माँ से ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए बच्चे जो हैं, ये देखिए ये आपको कार्तिकेय जी है, ये कार्तिकेय जी हैं, कार्तिकेय जी बैठ गए गोद में। और भैया चावल से बना रहे हैं, आँख बना रहे हैं, नाक बना रहे हैं, ये कार्तिकेय जी रहे। कार्तिकेय जी बहुत सरल स्वभाव के हैं, सेनापति हैं, लड़ने वड़ने में ज़्यादा ध्यान रहता है, इसलिए ज़्यादा इनको इसके लिए समय नहीं है। जल्दी जल्दी चुपचाप काम करवा लेते हैं अपना, चूँकि इनको मोर्चा पर जाना है। और थोड़ा सा मेहनत गणेश जी में लगता है, चूँकि गणेश जी की सूंड होती है और गणेश जी विघ्न हरता है, तो थोड़ा सा परिश्रम गणेश जी ज़रूर करवाते हैं।
ये कार्तिक जी गोद में बैठ गए हैं, अब गोद में बैठ गए। ये देखिए कितना अच्छा सा बनाया घर पर। और ये जो है गणेश जी हैं, गणेश जी भी, गणेश जी का सर लग चुका है और हाथ पैर लगेंगे अभी। गणेश जी की चूंकि प्रतिमा जो है सून एक्स्ट्रा होता है, इसलिए हाथ थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि आस्था के हाथ लंबे हैं, श्रद्धा के हाथ लंबे होते हैं, इसलिए आप मूर्त रूप में हाथ छोटा भी कर दें तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस जगह के अनुसार ही। जैसे कहते हैं कि बिल्ली अपना शरीर जो है मौके के अनुसार सिकोड़ना जानती है, तो आपके पास जो जितना जगह है मूर्ति बनाने के लिए उसी के अनुसार ही भगवान के शरीर का भी निर्माण कर सकते हैं। और ये जो है इस तरफ जो है आ गए, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए। और गणेश जी जब आ गए इस तरफ तो हम दिखाते हैं कि इसलिए हम हाथ का यहाँ पर निर्माण बाद में किए, ताकि गणेश जी के हाथ से, माँ पार्वती के हाथ से गणेश जी की मूर्ति को सपोर्ट मिले। और देख सकते हैं कि इससे परिवार पूरा हो चुका है, कितना अद्भुत कितना सुंदर सा नजर आ रहा है। थोड़ा बारीकी सा काम है ये और ध्यान से काम है। थोड़ा सा मजबूती के लिहाज से थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा जरूरी होता है कि पीछे से भी सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी गीली होती है, सूखने पर फिर सब ठीक हो जाता है। ये मूर्ति को भैया सपोर्ट दे रहे हैं, इस तरह मूर्ति का काम लगभग यहाँ पर जो है पूरा हो चुका है, पूरा हो रहा है। अब बनेगा सिंदूर रखने वाला किया बनाएंगे भैया। हाथ बन गया, पांव बन गया, और एक सिंदूर रखने वाला किया बनेगा। बिल्कुल आपने सही कहा है, सिंदूर रखने वाला किया बनेगा। देखिए सिंदूर रखने वाला किया भैया कैसे बना रहे हैं, बस हल्का सा इसमें थोड़ा सा इसमें ढक्कन वगैरह सारा लगाएंगे ना भैया, सब ढक्कन लगेगा इसमें, और इसको गड्ढा करके जैसे दिए की शक्ल जो होती है उस शक्ल में बनती है ये। सिंदूर अच्छे से रखने की जगह हो इस लिहाज से थोड़ा सा गहरा बनाया है, और एक किया तैयार हो गया, दूसरा किया भी। इसमें देखिए मिट्टी में शीशे भी हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए काफ़ी बारीकी से ध्यान देके ये करना पड़ता है। शीशे के टुकड़े भी निकल रहे, तो कभी भी आप मिट्टी लाते हैं उसे ध्यान से आप लोग चेक कर ले जरूर से, हाँ, नहीं तो आपके हाथ भी कट सकते हैं इससे। बिल्कुल, वो मिट्टी को जैसे आप घर में आटा गूंथते हैं तो कुछ इसी तरह की परीक्षा, बस आटा में शीशे के चांसेस कम होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन मिट्टी में चूँकि आप ये लापरवाही हम ही लोग करते हैं कि सब कुछ लापरवाही से जहाँ तहाँ फेंकते हैं, जब आप उसी मिट्टी को घर में लाते हैं तो ही लापरवाही आँख के सामने खुद सामने आती है,
थोड़ा सा सजग सतर्क रहने की ज़रूरत है कि काम सुलभ तरीके से हो सके। और देख सकते हैं कि एक दूसरा दिया भी तैयार है। दिया में सबसे अच्छी बात है कि दिया को रखने के लिए दिया का बेस अच्छा होना चाहिए ताकि दिया लुभाना नहीं चाहिए। ये दिया भी बन गया और किया भी बन गया जिसमें सिंदूर रखने वाला। ये जो है एक्चुअली ये किया ही बन रहा है और भैया ने फिर इसको मोल्ड करने का कोशिश करेंगे फिर से। अगर आप इसको जो अगर अच्छी तरीके से अगर आपने बढ़िया को मिट्टी को मिलाया है, मिट्टी में लचीलापन है तो बिल्कुल आपको खोए की रंग होती है। जो खोया आप खाते हैं उसी तरह के स्ट्रक्चर में नज़र आएगा। मिट्टी काफ़ी लचीली रहती है तो जैसे तहे आप बच्चे की तरह छोटे बच्चों को जैसे सिखाते हैं मिट्टी गीली मिट्टी भी छोटे बच्चे की तरह ही होती है कि आप जैसे चाहे से सिखा कर शक्ल दे सकते हैं बना करके। और एक दिया तैयार हो गया यहाँ पर और एक इसका जो ढक्कन है ढक्कन कैसे बनता है ये देखिए। कुछ नहीं करना, ढक्कन बनाना सबसे आसान है। आप सबसे पहले किसी भी शक्ल को देख लीजिए, मिट्टी को गोल कीजिए फिर चपटा कीजिए। चपटा करने के बाद हल्का सा ऊपर में एक जो है इस तरह का पकड़ने के लिए और इसका ढक्कन जो तैयार है। ये सूख जाएगा तब उसके ऊपर रखा जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि दोनों सट जाएंगे आपस में ही। बिल्कुल, इसलिए उसको अलग रखा गया। और इस तरह देखिए शीशा निकल रहा है। और शिव पार्वती जी गणेश पर जो शिव परिवार है वो पूरी तरह बन चुका है शिव परिवार। और आप जैसे कोई भी मूर्ति में जब तक आप उसकी पूजा करके प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तब तक भगवान का आह्वान नहीं होता है उसमें। तभी इस मूर्ति से एक शक्ल दी गई है मूर्ति की। अभी जब पूजा होगी तो किसी पूजा का जो आरंभ होता है पूजा का आरंभ आदि गणेश शिव के भगवान श्री गणेश के आह्वान के साथ होता है। तब किसी भी मूर्ति में चाहे भगवान की कोई भी मूर्ति हो भगवान श्री गणेश के आह्वान के साथ ही इसमें प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है और शाम में पूजा होगी। और भैया ने बहुत अच्छा मूर्ति और तो बनाया भी बना है। और बताया भी देख लग किए दो को बन गया। ये रहे तुमको भोलेनाथ सबको बन गया, गले में सांप बन गया, माँ पार्वती रहे गोद में गणेश जी कार्तिकेय जी बन गए, दो किया बन गया आपका। किया किनारे कर दे रहे हैं ठीक है। आप खाली क्या कीजिएगा शाम में जब सूख जाएगा तो ये पोष